सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय 3 और भारतीय संघीय व्यवस्था की आधारभूत तत्व में हम पढ़ रहे थे। कल हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ भाग कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, उसके आगे हम शुरू करते हैं। कितनी विशेषता आपने पढ़ ली थी, तो हमने क्या कितनी पढ़ ली थी, शक्तियों का विभाजन कर लिया था, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व पढ़ लिया था, एकल नागरिकता पढ़ ली थी, यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कहां तक जो हमने पढ़ा, एकात्मक लक्षण। ठीक है, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, एकात्मक लक्षण की बात करते हैं। पार्ट डायग्राम दूसरा है, एक पार्ट हमने पढ़ा है, दूसरे पार्ट की चर्चा करें। एकात्मक लक्षण का मतलब क्या है, हम एक है, हम भारतीय नागरिक है, पूरा केंद्र हमारा देश एक है और वो संघ के साथ मिलकर काम करता है पूरा देश। अब एकात्मक लक्षण देखो, एक संविधान है, एक ही संविधान है ना पूरे, और इस संविधान के जनक हम कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, और इस संविधान रूपी कानून रूपी किताब में पूरा देश चलता है, उस देश में हम सब समान है, सबके लिए इसमें कानून समान है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार के साधन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा हो, वो अलग अलग स्थान अलग अलग क्षेत्र विशेष धर्म जाति के आधार पर है, सब समान है। तो एक संविधान है, ध्यान रखना, कोई केंद्र और राज्य का कोई पृथक संविधान नहीं है, केंद्र व राज्यों का पृथक संविधान नहीं है, पूरे संविधान में जैसे 22 भाग हैं, तो पूरे 22 भाग पूरे देश में लागू होते हैं। 12 अनुसूची है तो पूरे देश के लिए 12 अनुसूची है, और 395 अनुच्छेद पूरे देश में लागू होते हैं। ये है ना, क्लियर है? तो हमारा संविधान क्या हो गया, एक हो गया। दूसरा देखिए, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति हमने 3 प्रकार की शक्ति पढ़ी थी, संघ सूची, समर्थ सूची और राज्य सूची। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, देखो अवशिष्ट का मतलब जो बची खुची शक्ति है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, संघ राज्य और समवर्ती पढ़ा था ना, 97 ये पढ़ा था। अब और भी तो शक्तियां हैं, और भी सूचियां बहुत है, वो सारी शक्तियां किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, इसका मतलब पूरे देश में एक के पास ये बची खुची शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, जो कानून है, जो विषय है, इन पे है केंद्र सरकार का, और हमारे केंद्र सरकार यदि पूरा देश एक है तो वहां ये शक्तियां हैं, तो इसे एकात्मक है। तीसरा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अब ध्यान रखना, हमने पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें एक विशेषता पढ़ी थी संविधान की, क्या एक विशेषता ये पढ़ी थी कि संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है, जब जब इसमें जरूरत पड़ती है संशोधन किया जाता है, और हमेशा संशोधन कौन करती है, संसद करती है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कौन करती है, संसद करती है। और हमारे भारत में संसद कितनी है, क्या हमारे राजस्थान में संसद है, नहीं, हमारे देश में संसद है ना, और संसद आती है दिल्ली के अंदर, पूरा देश की संसद में जो कानून बनता है वो हमारे पूरे देश के नागरिक उसका पालन करते हैं, करते ही नहीं करते, तो हमारा जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 के तहत किसको अधिकार दिया गया है, संसद को दिया गया है, कोई राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, कोई नया बिल पास करना है, कोई नया कानून बनाना है, कोई भी काम करना होता है कौन करती है, संसद, तो संसद एक है, इसलिए हम सारे क्या है एक है। लक्षण कौन से हो गए, एकात्मक लक्षण, पढ़ते रहना, मैं मेन मेन मुख्य मुख्य टॉपिक बता रहा हूं आपको। फिर देखो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, अब शक्तियों का विभाजन तो हमने पढ़ लिया, संघ सूची, समवर्ती सूची, और ठीक है यहाँ पे एक शक्ति 66 कर लेना, 66 स्थान में 66 और 47, ठीक है तीनों सूचियां हमने पढ़ी ली, ये अलग अलग बांट दिए, देखो संघ को काम करना है वो संघ करेगा, विषय बना दिए, राज्य को काम करना है वो राज्य करेगा, दोनों काम करेंगे वो है, और बाकी जो बच गए वो केंद्र सरकार काम करेगी, तो शक्तियों का विभाजन हुआ है कि नहीं हुआ। और यहाँ एक टॉपिक हो रहा था संविधान संशोधन में, कोई जब बड़ा संविधान संशोधन करना होता है तो उसमें आधे राज्यों, आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति लेनी होती है, तो राज्यों से मिलकर बनता है ना, तो ये बात है, तो शक्तियों का विभाजन है। नंबर 5 देखिए, ठीक है थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, इसमें सिर्फ पढ़ने वाली बातें, पहले बता चुका मैं आपको, अपात शक्ति,
अपार शक्ति। अपार शक्ति का मतलब होता है आपातकालीन शक्ति। और जब हम संविधान हमने पीछे पढ़ा था अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, हमारा पूरा भारत रहेगा जब तीन अनुच्छेद के तहत हमारे देश में आपातकाल लग जाए तो पूरी शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। 352 में क्या है? जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे या हमारे देश के अंदर कोई आंतरिक विवाद हो जाए, कोई आंतरिक विवाद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े दंगे हो जाए, आंतरिक विवाद हो जाए और ऐसा लगा कि राज्यों का जो शासन है वो नहीं चल सकता, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य का संविधानिक काम नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई राज्य, तो वहां केंद्र सरकार काम करेगी। अभी आपने राजस्थान में देखो ना, 35 से 36 दिन सरकार नहीं चलेगी। अगर लंबे समय तक ये सरकार नहीं चलती तो राष्ट्रपति शासन लग जाता 356 के तहत और केंद्र सरकार हमारे राजस्थान पे काम करती, लेकिन वापिस सेटलमेंट होगी। 360 के तहत अगर हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आ जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है 360 के अनुच्छेद 360 अनुच्छेद के तहत और पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में होती है, राज्य नहीं होते। तब हम क्या हो जाते हैं? एक, हमारे पर अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। हमारे पर कानून बनाएगी तो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो अपार शक्ति के मामले में भी हम एक है, एकात्मक लक्षण है। छठा विशेषता देखिए, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व। अब इसका मतलब मैंने आपको बताया था, संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है। बताया था कि नहीं बताया? याद है कि नहीं? साथ साथ में याद करोगे तो ही बात है, मेरे अकेले बताने से कुछ नहीं होगा। संसद तीन अंगों से मिलकर बनी होती है। संसद किसकी से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीन है संसद। और देखो लोकसभा में तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं सांसद। जैसे हमारा सांसद पूछे ना, हमारा सांसद कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल, वो लोकसभा सीट से है। अब राज्यसभा की कभी जनता वोट नहीं डालती, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो विधायक है ना, अब अपने विधायक कौन है? तो जैसे विधायक है संतोष बावरे, वो विधायक क्या करती है? राज्यसभा के लिए चुनाव करती है, राज्यसभा के लिए वोट डालती है, वो हमारा प्रतिनिधि है। आगे हम पूरी प्रक्रिया में आपको बताऊंगा कैसे विधायक बनते हैं, कैसे लोकसभा सांसद बनते हैं, कैसे राज्यसभा, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा। जो विधायक होते हैं ना, राज्य के विधायक, वो किसको चुनते हैं? हमने विधायकों को चुना, विधायकों को चुना। ये विधायक क्या है? राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे, वो हमारे क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे वोट डालते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारा, जनता का। ठीक है, अपना कर लिया। अब क्या है, वहां हमारी फिक्स है सीटें। जैसे राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है, राजस्थान में राज्यसभा सीट है, कहीं 20 है, कहीं 25 है, कहीं 16 है, कहीं 31 है। ऐसे किस कारण है? जन क्षेत्रफल, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ये निर्धारित की जाती है। तो असमान प्रतिनिधित्व है। अब देखो राज्यों से भी है लोकसभा, केंद्र से भी है, राष्ट्रपति भी होता है, तो सब मिलकर एक काम करें ना, किसका काम करें? कानून बनाने का, संसद। तो वो है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। 7 नंबर देखिए, एकल नागरिकता। ये बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं, ध्यान रखना, संविधान की विशेषता हमने पढ़ी थी ना, वही बातें आ रही है। एकल नागरिकता का सीधा मतलब है हम क्या कहते हैं? हम भारत के निवासी हैं। कभी कोई पूछेगा हम भारतीय हैं, हम नॉर्मल रूप से कह सकते हैं कि हम जिस राज्य में रहते हैं, राजस्थानी है, महाराष्ट्रीय है, पंजाबी है, लेकिन हमारा, हमें नागरिकता किसकी मिलती है? हमेशा देश की मिलती है। हमारी एकल नागरिकता है, दो नागरिकता कभी नहीं होती है। एक नागरिकता ऐसी नहीं जैसे अमेरिका के अंदर, तो राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है, दो दो नागरिकता है। पहले हमारे जम्मू कश्मीर में भी यह होता था, जो जम्मू कश्मीर में रहता था उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग प्राप्त थी और जो देश में रहता था उसको अलग प्राप्त थी। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य हटा दिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब हमारे पूरे भारत में एकल नागरिकता है, यानी एक ही नागरिकता हम दे सकते हैं, दो नहीं मिलती है कोई अलग राज्यों की, तो वहां समान प्रतिनिधित्व होता है। 8 नंबर, प्रारंभिक बातों में एकरूपता। प्रारंभिक बातों में एक रूपता। अब इसका मतलब क्या? प्रारंभिक बातों में एक रूपता का मतलब क्या हुआ कि
प्रारंभिक बातें होती है, एक तो दीवानी और एक फौजदारी मामले, ठीक है, दीवानी और एक फौजदारी मामलों के लिए एक ही कानून है, दीवानी के लिए फौजदारी। दीवानी तो आते हैं जैसे मतलब कोई चोरी वगैरह या कोई भ्रष्टाचार कर दिया या अपना कोई दीवान वगैरह राजस्व वगैरह खाने का वो काम कर दिया उल्टा सीधा, ठीक है, कोई पैसे हड़प लेता है, जमीन हड़प लेता है, वो होता है फौजदारी। कोई डकैत कर ली, कोई हत्या कर ली, लूटपाट कर ली, मारपीट कर ली, वो फौजदारी के अंदर आता है, ठीक है। ये मामले एक ही है। फिर देखें पूरे देश में चुनाव आयोग चुनाव जो करवाता है वो पूरे देश में एक ही है। यहां से देखें जब भी चुनावों की बात आएगी तो हमारे देश के वर्तमान चुनाव आयोग है सुनील अरोड़ा, वो पूरे देश के चुनाव आयोग है ना। अब राज्य का तो अलग नहीं है, राज्य का है, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयोग है बाकी के नीचे काम करते हैं राज्यों वाले सारे, ध्यान एक है। दूसरा आईएएस की आईएएस जिला कलेक्टर निकलते हैं, जिला कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, बड़े हो गए, हमेशा ध्यान रखना यूपीएससी के तहत हमेशा आईएएस बनता है ना, वो राज्य से नहीं बनता, हमेशा उसकी परीक्षा पूरे देश में एक ही होती है, पूरे देश में, जिसको यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आईएएस की भर्ती होती है, आईएफएस की भर्ती होती है, ये सारी कौन करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है। फिर ये केंद्र सरकार करवाने के बाद ये आईएएस बनने के बाद इनको अलग अलग राज्यों में भेजती है, अलग अलग राज्यों में भेजती है, किसको एसपी लगाती है, किसी को आपका ये कह दिया जिला कलेक्टर लगाती है, किसी को एसडीएम नियुक्त करती है, किसी को कुछ भी नियुक्त करती है ना, अलग अलग वन अधिकारी वगैरह। देखो पूरे देश में एक ही है, एक ईयर वो अलग अलग राज्यों में भेज रही है, वो पूरे केंद्र सरकार है वो पूरे राज्यों में भेज रही है, इसका मतलब नागरिकता और समन्वय क्या है, एक। तो प्रारंभिक बातों में भी हमारे क्या है, एक रूपता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो नौ नंबर, तो जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें लगभग क्लियर होती जा रही है, फिर भी इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना, पढ़ोगे तो उसमें बातें समझ में आ जाएगी आपकी, ठीक है। नौ नंबर देखिए क्या है, नौ नंबर है एकल संगठित न्याय व्यवस्था, एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अब ये तो पता ही आपको, हमारे पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, अक्सर एग्जाम में देखते हो आप, किताबों में देखते हो सुप्रीम कोर्ट, अखबारों में, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं उच्चतम न्यायालय, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और इसी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। पूरे देश में एक ही है, इसका मतलब संगठित न्याय व्यवस्था है ना, इसके नीचे काम करते हैं राज्यों में उच्च न्यायालय, राज्यों में क्या होते हैं उच्च न्यायालय, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, क्या कहते हैं हाई कोर्ट, अंग्रेजी में इसीलिए अंग्रेजी बोलते हैं अपने तो हाई कोर्ट। देखो ये उच्चतम है और ये उच्च है, इसका मतलब ये ऊपर सर्वोपरि है, इसके नीचे जो न्यायालय होते हैं वो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे न्यायालय होते हैं। देखो मान लो किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, या की हो चाहे नहीं की हो, और ये जो अपराध उसने किया ही नहीं और उसको सजा मिल गई, सबसे पहले नीचे नीचे जाएगा, हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण पूछा पड़ा था ना, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा, तो इस मामले से यहां उसको पेश किया, यहां उसको न्याय नहीं मिला तो वो जिला न्यायालय में जाएगा, यहां इसको न्याय नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। हर राज्य में एक है, जैसे राजस्थान में कहां पे है, जोधपुर के अंदर है ना। अब यहां अगर न्याय नहीं मिला उच्च न्यायालय के अंदर तो हम कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अंतिम न्यायालय, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वह अंतिम होगा, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। लास्ट अगर आप जाओगे तो राष्ट्रपति के पास जाओगे अगर आपकी पहुंच है तो, वरना आप कहीं नहीं जा सकते। तो पूरे देश में एक है ना, घुमा फिरा के कहीं भी जाना होगा यहां होगा। आपने सलमान खान का नाम सुना, सलमान खान ने एक हिरण को मार दिया था, अब मारा न मारा, स्वीकार किया नहीं किया हमें पता नहीं है। अब लोग कहां गए, जो ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग गए थे हाई कोर्ट में गए, हमारा जोधपुर का हाई कोर्ट है, उसने
इस सलमान खान को क्या कर दिया, बरी कर दिया, जिसने स्वीकार नहीं किया, कोई कुछ दो तीन मामले थे, गवाह वगैरह पेश करके लोग कहां चले गए, उच्चतम न्यायालय में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में, नहीं सलमान खान ने स्वीकार किया था, हमें तो न्याय चाहिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, यानी पूरे देश में एक ही है ना। देखो हम राज्यों के अलग अलग, पूरे देश में किसी भी राज्य का कोई भी विवाद होता है तो कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एकात्मक लक्षण हुआ कि नहीं हुआ ना, तो ये एकात्मक लक्षण है। अगला देख 10 नंबर पॉइंट, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को 10 नंबर ये कह रहा है, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं चलते जाए और राजस्थान अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, केरल अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, हमारा संघ बना हुआ है भारत संघ, भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है और ये संघ रहेगा, भारत राज्यों का एक संघ है और ये संघ रहेगा। एक संविधान संशोधन है 1963 में, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वां संविधान संशोधन हुआ अब 1963 की बात है, इसमें स्पष्ट कह दिया कोई भी राज्य इस देश के संघ से अलग नहीं हो सकता, ये संघ बना हुआ है और इस संघ के अंदर रहकर ही सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। ये स्पष्ट हो गया ना, ये संघ है, संघ रहेगा, हम एक है, हम एक रहेंगे। 11 नंबर, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं, सीमाओं में परिवर्तन हेतु, परिवर्तन हेतु राज्य के स्वीकृति अनिवार्य नहीं। इसका मतलब देखिए, कोई भी राज्य, मान लो ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये गुजरात है, ये पाकिस्तान, किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित करनी है, परिवर्तन का मतलब होता है कई बार विवाद चला रहता है, जैसे मान लो गुजरात और राजस्थान का विवाद है कुछ गांवों को लेकर, कुछ जिलों को, तो आपस में क्या होता है कई बार इतना ज्यादा विवाद होता है, राजस्थान तो कहता है हमारी जगह है, गुजरात कहता है हमारी जगह है। जब दोनों में विवाद हो जाए तो इसमें कानून कौन बनाती है, हमेशा संसद बनाती है, या संसद ने, केंद्र सरकार ने सोच लिया कि इस राज्य को थोड़ा छोटा करना है, इस राज्य के दो भाग करनी है, तीन भाग करनी है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को किया था ना, दो भाग कर दिए थे, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग, किसी राज्य को छोटा करना है, बड़ा करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को, संसद भारत में कितनी है, फिर मैंने बता दिया एक है, संसद भारत में कितनी है, एक है, संसद एक है, तो सीमाओं में परिवर्तन हो तो राज्य की कोई स्वीकृति आवश्यकता नहीं है, किसी से स्वीकृति नहीं होती, संसद उसे संविधान में संशोधन करके कर सकती है। कुछ बातें आपकी किताब में लिख रखा है, जैसे अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके लिए संसद को, बस ये बातें मैंने आपको बता दिया कि संसद यानी राज्यों से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, राज्य की विधानसभा से अनुमति लेने की, स्वीकृति लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में संसद एक है और संसद को अधिकार है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का। वास्तव में आगे तो ये आपके कितने हो गए 11, 12 नंबर, फिर है देखो लास्ट 12 नंबर देखिए, फिर अगला लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, देश का अलग सिस्टम होता है, राज्यों का अलग सिस्टम होता है, अमेरिका में देश और राज्य, क्योंकि वहां पे दोहरी नागरिकता है, देश के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो अलग होंगे और राज्यों के अंदर प्रशासनिक अधिकारी है वो अलग होंगे, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता, हमारे भारत में अगर हमारा प्रशासनिक अधिकारी विदेश सचिव है ना, विदेश सचिव या विदेश मंत्री है, तो हमारे पूरे भारत का है, अमेरिका में क्या है, राज्यों का अलग है, देश का अलग है, अलग है, रक्षा मंत्रालय अलग है, रेलवे मंत्रालय अलग है, लेकिन हमारे प्रशासनिक विभाग क्या है, इकट्ठे हैं, ठीक है, उसी के अनुसार अखिल भारतीय अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय, वही मैंने बताया था ना, मान लो केंद्र सरकार भर्ती निकालती है, केंद्र सरकार आईएएस की नियुक्ति करती है,
कोई भी कहते हैं ना मेरा टारगेट आईएएस बनना है, AIS, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, खड़े होकर पूछा जाता है कि आपका टारगेट क्या है, मैं आरएएस बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, और बनोगे आप, अगर आपका टारगेट है आप उसी हिसाब से कोडिंग तैयारी करोगे तो आईएएस बनोगे आरएएस। इसका मतलब क्या था, आरएएस, आरएएस को हमारी राजस्थान की प्रशासनिक अधिकारी होता है सबसे बड़ा, जिसमें तहसीलदार लगते हैं, एसडीएम लगते हैं, आंगनबाड़ी में अधिकारी लगते हैं, इनकम टैक्स में अधिकारी लगते हैं, वो सारे ठीक है, उप तहसीलदार भी लगते हैं। आरएएस का मतलब होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। इसके तहत मान लो भर्ती आईएएस लग गया, और आईएएस की भर्ती कौन करती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार करवाती है। अब देखो केंद्र सरकार करती है, पूरे में एक होगी, अब वो केंद्र सरकार उन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या राज्यों में नियुक्त कर देगी, किसके तहत, आईएएस के तहत राज्यों में नियुक्त कर देगी। तो लोक सेवकों का कोई विभाजन नहीं है पूरे देश में। अब जैसे हमारे राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के जिला कलेक्टर है, तो जिला कलेक्टर गंगानगर में थोड़ी है, वो पंजाब के हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के होते हैं, कहीं के हो सकते हैं, मद्रास के हो सकते हैं, कलकत्ता के हो सकते हैं, पूरे देश में जिला कलेक्टर को कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार है करती है। तो ये 12 आपके हो गए, एकात्मक भाषण हो गए। कल पढ़ेंगे भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां क्या, क्योंकि एक टॉपिक हमारा और रहेगा वीडियो में, फिर उसको क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये 12 पॉइंट समझ में आ गए, जो मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूं मेरी भाषा समझ में आ गई होगी। अब एक बार आप जरूर किताब में से पढ़ोगे ताकि आपको समझ में आ जाए।